देखें, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर. आपको लगता लगा लग रहा होगा, कवि कहता है, ये राइटर कहता है, यू मे थिंक, तुम सोचते होगे दैट क्राउन प्रिंस, कि वो जो शाही राजकुमार था, क्राउन मीन्स रॉयल इन्फेंट, रॉयल बॉय, जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वेक, कि चौंक गया होगा, घबरा गया होगा, भूकंप आ गया होगा उसके भीतर. क्वेक मीन्स भूकंप. हाँ जी, रजत कुछ कह रहा है? रजत, रजत ने हाथ क्यों उठाया? बंद करो. रजत को सुन रहा है? कहाँ है रजत? देखो क्या कह रहा है, बच्चे को कैसा लगा होगा, गुस्सा आया होगा, उसमें भूकंप आ गया होगा. कब? When he heard the word tiger, जब उसने टाइगर शब्द सुना. किसने बोला था टाइगर? एस्ट्रोलॉजर्स ने. क्या बोला था? कि तुम टाइगर की वजह से मरोगे, तुम्हारी मौत का कारण कौन बनेगा? टाइगर. दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन. और यही नहीं हुआ. क्या होना था? कि छोटा बच्चा गुस्सा नहीं हुआ, उसे क्रोध नहीं आया, उसमें भूकंप नहीं आया. क्वेक किसके लिए है यहाँ पे? गुस्से के लिए. ये सुनकर उसमें कोई हलचल पैदा नहीं हुई, वो कंपा नहीं, डरा नहीं. एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे उसने ये बात सुनी कि तुम टाइगर की वजह से मरोगे, तो उसने घोषणा की, प्रोनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड. द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, गुर्राया. टाइगर की तरह क्या किया? ग्राउल, दहाड़ा, पहाड़ लगाई उसने. छोटे बच्चे ने क्या किया? ग्राउलिंग की. क्या बच्चा है? 10 days, mere 10 days. वो 10 दिन का छोटा बच्चा टाइगर की तरह घुर्राया. टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके मुंह से डरा देने वाले, भयभीत कर देने वाले शब्द इमर्ज्ड. इमर्ज्ड मीन्स निकले, उतरे. क्या बोला? लेट टाइगर्स बीवेयर, कह दो टाइगर्स को सावधान हो जाएं. कह दो टाइगर्स को सावधान हो जाएं. कौन आ रहा है? जंग जंग बहादुर आ रहा है. उनका पाला किससे पड़ा है? जंग जंग बहादुर. दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और ये घटना, अकाउंट मीन्स घटना, कहानी, घटना, ये व्याख्या, कि कैसे कैसे एक सम्राट के यहाँ एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, जब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा एक ना एक दिन मरेगा, तो वो 10 दिन का छोटा बच्चा एस्ट्रोलॉजर्स को चैलेंज करता है. एस्ट्रोलॉजर्स को क्या करता है? चुनौती देता है, चैलेंज, कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो ये बताओ कि मैं मरूंगा कैसे. और जब उन्होंने बताया कि मैं ये मरोगे कैसे, तो वो कपा नहीं, डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसने उन ज्योतिषियों को कहा कि तुम जाओ टाइगर्स को कह दो कि वो सावधान रहें, सावधान हो जाएं, कैसे टाइगर्स मुझे मारेंगे. इस अकाउंट, ये कहानी घर घर में फैल गई, प्रतिबंधपुरम के घर घर में. र्यूमर राइफ, अफवाह की तरह है ना, जैसे जंगल की आग की तरह पूरे प्रतिबंधपुरम में, पूरे साम्राज्य में फैल गई. बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ. लेकिन हम अब जानते हैं कि ये जो र्यूमर थी
ये एक सच्चाई पर आधारित थी, या सामान्य बात जनरली कवि लेखक क्या कहना चाहता है काल की, कि कोई भी अफवाह कोरी अफवाह नहीं होती, जैसे बिना आग के धुआं नहीं होता, इसी तरह से बिना बात के कोई बात नहीं फैलती, कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी। झुमझुम बहादुर में कोई ना कोई बात तो थी, इसीलिए उसके बारे में इस तरह की बातें फैली हुई थी। दूसरा पोर्शन है, नजर आ रहा है सबको ठीक से? क्राउन प्रिंस झुमझुम बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, और क्राउन प्रिंस झुमझुम बहादुर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, ताकतवर होता चला गया, लंबा होता चला गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, और जो घटना ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, जो घटना पहले से ही हम पढ़ चुके हैं, जिसके जिसकी व्याख्या पहले से की जा चुकी है, उसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण घटना उसके बड़े होने तक नहीं घटी जिसका जिक्र किया जा सके, जो कि इस कहानी में बताने लायक है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, है ना? बहुत अच्छे ढंग से, मजाकिया ढंग से लिख रहा है काल की। कौन सी गाय का दूध पीता था? अंग्रेजी गाय का, देसी गाय का नहीं। वॉज ब्रोट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और उसकी जो आया थी, नैनी का मतलब बड़े घरों में बच्चा रखने के लिए जो नौकरानी रखते हैं, उसकी आया वो भी अंग्रेज थी। ट्यूटर इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसको जो घर में ट्यूटर था, पढ़ाने वाला टीचर था, वो भी इंग्लिश था, अंग्रेज था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और अंग्रेजी ही फिल्में देखी उसने। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, ठीक वैसे ही जैसे एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि अन्य भारतीय राज्यों के राजकुमार करते थे, वही सब इसने किया। अंग्रेजी ट्यूटर से पढ़ा, अंग्रेजी आया ने इसको पाला पोषा, अंग्रेजी फिल्में देखी, इस तरह वो बड़ा हुआ। When he came of age at 20, और जब 20 साल का हो गया, the state, राज्य उसका, which had been with the court of wards until then, came into his hands, राज्य उसके हाथ में आ गया, उसे राजा बना दिया गया। 20 साल का होते ही उसे गद्दी मिल गई। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction, लेकिन उसके राज्य में, उसके देश में सबको एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा की गई भविष्यवाणी, prediction means foretelling, prophecy, ये शब्द आ गए इसके लिए हमारे पास, भविष्यवाणी उसके राज्य के सभी लोगों को याद थी। Many continued to discuss the matter, और सब लोग डिस्कस किया करते थे घरों में कि कैसे कैसे एक छोटा बच्चा जब ये था तो इसने एक चमत्कार किया था, 10 दिन की उम्र में एस्ट्रोलॉजर्स को चैलेंज किया था, उनको चुनौती दी थी कि बताओ दिखाओ कि मैं कैसे मरूंगा। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स, इस तरह लोगों की बातें धीरे धीरे महाराजा के कानों में पहुंची कि कैसे शहर के लोग बातें कर रहे हैं। There were innumerable forest in the Pratibandhapuram state. Pratibandhapuram state में बहुत सारे जंगल थे। Innumerable, असंख्य। Oh sir. A number of, they had tigers in them. और सभी जंगलों में टाइगर्स थे। The Maharaja knew the old saying. महाराजा को एक पुरानी कहावत भी पता थी। You may kill even a cow in self-defense. और क्या थी कि आत्मरक्षा के लिए गाय को मारना भी पाप नहीं है। आत्मरक्षा के लिए तुम जो भी करोगे वो अच्छा ही होगा, कोई बुरा नहीं है। टाइगर्स को मारना बुरा नहीं है, उसने अपने आप को एक बहाना दे दिया, एक जस्टिफिकेशन दे दी कि टाइगर मारना कोई बुरी बात नहीं है।
क्योंकि बुद्धिमान लोगों ने कहा है अपनी रक्षा करने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए अगर गाय का भी वध किया जाए तो कोई पाप नहीं है। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो आत्मरक्षा में टाइगर को मारना तो कैसे कोई गलत बात हो सकती है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और इस तरह महाराजा ने टाइगर का शिकार करने का मिशन, टाइगर हंट, टाइगर मारने का मिशन, अभियान शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। और जब उसने पहला अपना टाइगर मारा, किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, तो महाराजा वॉज थ्रिल्ड, बहुत रोमांचित था, बहुत उत्साहित था, बहुत उमंग में था, बियॉन्ड मेजर्स, जिसका कोई पैमाना नहीं, खुशी से फूला नहीं समा रहा था, बहुत रोमांचित हो रहा था। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उसने राज्य के उस ज्योतिषी को बुलाया, state astrologer, राज ज्योतिषी को, and showed him the dead beast, और उसे ये मरा हुआ जानवर दिखाया, ये टाइगर दिखाया। क्या कहना चाहता था कि देख, तू कह रहा था ना कि टाइगर की वजह से मरेगा, ये देख ले टाइगर का हाल क्या हो रखा है। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स। ये हो गया यहां तक। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। उसने ज्योतिष से पूछा, बोलो अब क्या कहता है। योर मेजेस्टी ने किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। और इस तरह से योर मेजेस्टी महाराजा ने, किंग ऑफ बंदपुरम ने, द टाइगर किंग ने 99 टाइगर मार डाले इन द सेम मैनर, इसी ढंग से। बट सॉरी, क्या कह रहा है एस्ट्रोलॉजर ने कहा, योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि महाराज आप इस तरह 99 टाइगर मार सकते हो, सफलतापूर्वक मार दोगे, ये मैं कहता हूं। बट, और बट कह के वो चुप हो गया, डर दिखाया उसने। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या बोलो बिना डर के। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपको 100वें टाइगर से बच के रहना चाहिए। 99 टाइगर तक तो आपको कुछ नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजर ने अपनी भविष्यवाणी को क्लियर किया कि जैसे आपने ये टाइगर मारा है, इस तरह 99 और मार सकते हो, मार दोगे, लेकिन 100वें टाइगर से बच के रहना महाराज, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। ठीक है, आज इतना ही, अभी स्कूल जाना है, कल फिर मिलते हैं 9 बजे। राइट, थैंक यू।